आज सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी, मंच पे उपस्थित समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, निषाद पार्टी के सम्मानित नेतागण, सामने बैठे हुए इन सभी पार्टियों के नेतागण, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, साथियों, आज जो गर्मी है ये आपके जोश की वजह से गर्मी है। जिस गर्मी से हम खुद लोग परेशान हो रहे हैं तो खुद सोच लीजिए बीजेपी वाले कितने परेशान होंगे। और अभी तो ये चुनाव की शुरुआत हुई है, ये गर्मी आगे बढ़ेगी, उसी तरह हम लोगों का जो जोश है, मेहनत है, जो पार्टी के लिए हम लोगों की सेवा है, वो भी इसी तरीके से तेज होती चली जाएगी। यहां पर गर्मी की वजह से कुछ लोग उठ के छांव की तरफ जा रहे हैं, उनका ज्यादा लंबे समय नहीं लेंगे, क्योंकि जब नॉमिनेशन फाइल करके बाहर निकले तो पत्रकारों ने हम लोगों को धूप में रोक लिया और सामने से सिर पर धूप पड़ रही थी। एक ने पूछा, दूसरे ने पूछा, तो हमने कहा धूप तेज है, छांव में पूछ लो। तो आप जिस कंडीशन में बैठे हैं वो हम लोग समझ रहे हैं, यहां पर मंच पे बैठे हुए लोग। और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, जो भी नेता हैं, सब आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपको समझते हैं, जनता को समझते हैं, कार्यकर्ता को समझते हैं और उनकी समस्याओं को भी समझते हैं। फिरोजाबाद में 2014 में आपके लाड़ प्यार और आपकी मेहनत से ही मैं सांसद बना था। आज 29 तारीख को आपके प्यार से ही और आपके आशीर्वाद से ही मैं नॉमिनेशन भरकर आया हूं। आपने मुझे भरोसा दिलाया है कि 2019 का लोकसभा का चुनाव फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, रालोद और निषाद पार्टी के और जो पार्टियां हम लोगों के साथ, उन सब के समर्थन से भारी बहुमत से जीतेंगे। पत्रकार अभी पूछ रहे थे, चले बहुत, पत्रकार पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी बात है जो बीजेपी अपना प्रत्याशी फिरोजाबाद से तय नहीं कर पाया। मैंने कहा उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा वोटों से जनरल वीके सिंह साहब जीते थे गाजियाबाद से, उनको डर है कहीं फिरोजाबाद में उनकी वो जीत भी छोटी ना पड़ जाए। भाई यही वजह है बीजेपी अपना प्रत्याशी नहीं उतार पा रहा है। यहां जो आज की तारीख में आपने मेहनत करी है, जो मार्जिन आपने खड़ा कर दिया है, उस मार्जिन से ये बीजेपी डर गई है, इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। यही वजह है फिरोजाबाद, मैनपुरी सपा के गढ़ हैं, दोनों जगह प्रत्याशी नहीं आ पाया, नहीं आ पाया। चाहे बीजेपी का प्रत्याशी आए ना आए, चाहे कोई चला आए, आज की तारीख में हम लोग कम से कम फिरोजाबाद में 6 से 7 लाख वोटों से जीतने का काम कर रहे हैं। प्रलय मच चुका है आपकी आवाज से। कई लोग हैं बीजेपी की ए टीम बी टीम करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि ये सपा का गढ़ है, साइकिल का गढ़ है, माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ है, श्री अखिलेश यादव जी का गढ़ है। वही अखिलेश यादव जी जो 2014 में हम चुनाव लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री थे,
मुख्यमंत्री रहते हुए इस फिरोजाबाद जिले को जेड़ा झाल जैसी योजना देने का काम करा, मेडिकल कॉलेज देने का काम करा, महिला अस्पताल देने का काम करा, ट्रॉमा सेंटर बनवाने का काम करा। बिल्टीकर मक्खनपुर पर आए थे, यहां पर एक विभाग था जिससे काम नहीं होते थे, इसलिए उन्हें अपने मुंह से यहां पर मुख्यमंत्री घोषणा कर जानी पड़ी कि फिरोजाबाद की बड़ी बड़ी सड़कें जो नसीरपुर में जिससे हम लोग चलते हैं, जसराना में चलते हैं, एका में चलते हैं, टूंडला में चलते हैं, फिरोजाबाद में चलते हैं, सुकोबाद में चलते हैं, ये सारी सड़कें अपने मुंह से कही कि मैं मुख्यमंत्री घोषणा के रूप में ये ऐलान करता हूं ये सड़कें मुख्यमंत्री घोषणा से बनवाई जाएंगी। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा फिरोजाबाद शहर में नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा भी करवाने का काम हम करेंगे, जो उनके भाषण के एक साल के अंदर उन्होंने पूरा भी कर दिखाया। नगर पालिका की ग्रांट यहीं के थे बीजेपी के, उन्होंने कटवू कर 16 करोड़ कर दी थी, उसको बढ़ाने का भी काम समाजवादी पार्टी ने करा और 71 करोड़ करवाया। उसके बाद 3 बार फिर कट चुकी है, 70 करोड़ के नीचे फिर आ गई, नगर पालिका रहते 70 करोड़ के ऊपर करवाई थी हम लोगों ने। फिरोजाबाद शहर में हमने सड़कें बनवाई, पाइपलाइनें पड़वाई, वायर अंडर वायर तार अंडर वायर करवाए जमीन के अंदर अंडरग्राउंड, लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने उन सड़कों को उखड़वा तो दिया लेकिन बनवाने का काम नहीं करा है। फिरोजाबाद के जो लोग बैठे हैं किसी भी गली में निकल जाए सब टूटी पड़ी है, किसकी देन है? बीजेपी की देन है। और यहां कुछ लोग बैठे होंगे उनसे कहूंगा ये जरूर पता करना, बीजेपी वालों ने वो पाइपलाइन डालने का ठेका किसके रिश्तेदार को दिया है? जो बीजेपी मेयर का चुनाव जीती थी, जिनकी वजह से आपके दिमाग में जो नाम आता है उनके रिश्तेदार हैं कि नहीं है ये पता करना। तो कहीं ना कहीं इस बीजेपी ने गरीब आदमी को, नौजवानों को, मजदूरों को, किसानों को नुकसान करने का ही काम करा है। नौजवानों को रोजगार नहीं दे सके, किसानों को रोजगार दे दिया, रात में टॉर्च लो और निकल जाओ। एक दिन मठ सेना साइड में पीछे घूम रहे थे, यहीं कार्यालय के पीछे, इधर काफी लेट हो गए, 11-12 बज रहे थे, तो देखी टॉर्च की लाइट ऐसे ऐसे जल रही थी, गाड़ी जा रही थी। उसके बाद हम लोगों ने गौर करना चालू करा, ये हो क्या रहा है, जहां जाओ रात में वहीं टॉर्च पड़ती थी। माने चौकीदार तो बनाया, टॉर्च की बिक्री भी बढ़ा दी उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बीजेपी वाले अफवाहें फैलाएंगे, कुछ नहीं मिला। 2-3 दिन से कुछ लोग आए कि चर्चा चालू उन्होंने करवाई है कि आपका वोट बट रहा है। कुछ लोगों ने चर्चा चलवाई है, बीजेपी के लोगों ने, कहीं उनको कुछ उम्मीद नजर आ जाए, जो 6-7 लाख से जीत रहे कहीं 5 लाख के नीचे आ जाए, कि जनरल वीके सिंह जो इतिहास रचाता उन्होंने उत्तर प्रदेश में वो ना टूटे। लेकिन फिर भी वो किसी भी हालत में जीतने वाले नहीं है, कम से कम हम लोग 5-7 लाख वोट के बीच में जीतने का काम करेंगे। आपका काफी समय ले लिया, आपके आशीर्वाद से आज हम लोगों ने नामांकन भी करा। पत्रकार एक सवाल और पूछते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता लेकिन ले रहा हूं, कि वो आपके वो चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या टक्कर रहेगी, क्या रहेगा? अब मैंने कहा देखो, बड़ों का काम होता है नौजवानों को आगे बढ़ाने का, बड़ों का काम होता है नौजवानों को आगे बढ़ाने का। पहले भतीजे को आशीर्वाद नहीं दिया, चलो ठीक है, दूसरे को तो दे देते।
लेकिन कोई बात नहीं, ये आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है, नेताजी का आशीर्वाद है, अखिलेश भैया का आशीर्वाद है, जो आपके बीच में आज मैं फिरोजाबाद से चुनाव लड़ने जा रहा हूं, जिसका विधिवत तरीके से हम लोगों ने नामांकन कर दिया। कल से हम लोग निकल जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, गांव गांव पहुंचेंगे, गली गली पहुंचेंगे, समाजवादी पार्टी की उपलब्धि बताएंगे और ये चुनाव जीतने का काम करेंगे। आप सब लोग आशीर्वाद में, बड़े बुजुर्ग भाई बहन सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय भीम, अच्छा जिंदाबाद।